नमस्कार, मैं जीनत लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अग्निवीरों के लिए नौकरियां सुनिश्चित करेगी। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 5,200 से अधिक पदों की भर्ती को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार विभाग में मानदेय आधार पर भरे जाने वाले 3,970 पैरा वर्करों के पद भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम 2013 में संशोधन कर वर्तमान में दंपत्ति को दिया जाने वाला अनुदान 50,000 रूपए से बढ़ाकर 65,000 रूपए करने को स्वीकृति प्रदान की। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला में राज्य कर एवं आबकारी विभाग और हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की पहल नशा नहीं जिंदगी चुनो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, ये कार्यक्रम, ये संदेश, ये कमिटमेंट हमारी सिर्फ एक दिन के लिए ही निर्धारित नहीं हो सकती है। अब इसे एक अभियान के रूप में आगे ले जाने की आवश्यकता ही आज की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है कि हम नशे के खिलाफ एक अभियान, एक आंदोलन खड़ा करें। नौजवान जो हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी को इससे बचने के लिए किस तरह से प्रभावी ढंग से हम काम कर सकते हैं वो प्लान करना जरूरी है। एक टास्क फोर्स जो है वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के नेतृत्व में गठित करने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। एक्साइज डिपार्टमेंट भी उसके भी प्रतिनिधि उसमें साथ हो, मिल करके इस काम को। गत दिनों रिज मैदान शिमला में राज्य के आयुष विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने योग क्रियाओं में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। योग को अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा विश्व मना रहा है। मैं सभी प्रदेशवासियों से इस बात के लिए आग्रह करना चाहूँगा कि शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, और ऐसे में बहुत आवश्यक है ये योग सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, इसको नियमित अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि आप स्वस्थ रह सकें और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का आवास होता है। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर जिला के रिकॉम्पियो में राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य एवं शिल्प मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए 3,619 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा किन्नौर का साथी, किन्नौर के हमारे भाई बहन जो है, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, जटिल हो, लेकिन मेहनत करके अपने जीवन यापन करते हैं। किन्नौर को हम जो हमारी हेली टैक्सी चल उसमें आपके रिकॉम्पियो को उसमें हमने शामिल किया है, और उस यहाँ पर्यटक आए हेलीकॉप्टर के माध्यम से आए लोग जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी काम कर सके। 3 दिवसीय शिल्प मेला के लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, और शिल्प मेले के माध्यम से हमारे ट्राइबल इलाके का जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारे दूसरे इलाके में भी पहुंचे, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। हमने अब की बार कहा है, ना राज बदलेगा ना ताज बदलेगा, इस बार बस रिवाज बदलेगा, ये हमने बात कही है और ये करके छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने रिकॉम्पियो के पुलिस मैदान में लगभग 54 करोड़ रुपए लागत की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। शिमला में गत दिनों श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा शिमला द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के समन्वय से आयोजित राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा, श्री गोविंद तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व के
को समर्पित राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन यहाँ पर शिमला में किया। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम आने वाली जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको इतिहास के बारे में अवगत कराते रहे, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति जीवन को कुर्बान करने की एक भावना सदैव गुरु तेग बहादुर जी की रही। और एक नहीं अनेक कठिनाइयों के दौर में से, यातनाओं के दौर में से गुजरते हुए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। गत दिनों भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड के 44वें सत्र की मशाल रिले ग्रेड मास्टर दीप सेन गुप्ता से प्राप्त की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली में शतरंज ओलंपियाड के मशाल रिले का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि विश्व में शतरंज की अगर शुरुआत हुई तो भारत से, और भारत में पहली बार इस मशाल का, इस प्रकार का आयोजन, जो विशेष तौर से वो हमारी शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी हो रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि 187 देश इसमें भाग ले रहे हैं, और ये शायद मुझे लगता है कि आज तक सबसे बड़ा इवेंट इस तरह का है। इस बात के लिए भी मुझे बहुत खुशी है। और वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह नए अंक के साथ इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।